सीईओ प्लेन में बैठता है और उसका मैनेजर भी उसके साथ बैठता है, और तभी प्लेन में कुछ प्रॉब्लम होती है तो एयर हॉस्टेस बोलती है कि कुछ प्रॉब्लम है प्लेन में, तो आप लोग ध्यान से बैठिए और थोड़ी देर के लिए टॉयलेट्स वगैरह बंद कर दिए जाएंगे। तभी मैनेजर बोलता है कि आपने इतनी देर तक रेस्ट नहीं लिया है, तो आप थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए। सीईओ बोलता है कि ये मटेरियल पढ़ने के बाद मैं इसे बंद कर दूंगा। मैनेजर सीईओ के टैबलेट में देखता है कि वो क्या देख रहा है, तो पता चलता है वो यही की नई सीरीज स्पेस ट्रैवल के बारे में देख रहा होता है। रात हो चली होती है, दूसरी तरफ दिखाते हैं कि रूरू जैक्सन जैक्सन चिल्ला रहा होता है, क्योंकि जैक्सन एक रोल है जो स्पेस ट्रैवल में यी को रिहर्सल के दौरान करना है। इस स्क्रिप्ट में जैक्सन को बचाना है करके, तो यी बोलता है कि हाँ हम लोग जैक्सन को बचा लेंगे, और रूरू और यी इसी बात को लेके हैप्पी हो रहे होते हैं। अभी सोचता है कि अभी तक सीईओ का मैसेज नहीं आया, क्या फ्लाइट लेट हो गई है जिस वजह से उसने मुझे मैसेज नहीं किया। तभी ही रूरू को बोलता है कि बहुत लेट हो गया, अब हमें सोना चाहिए, और चलो मैं तुम्हें नहलाता हूँ और सुलाता हूँ, और तुम्हारा स्पेसशिप जो है वो फ्लाई भी कर सकता है। तभी रूरू को याद आता है कि सीईओ आज रात को वापस आने वाला था, तो वो यही को पूछता है क्या वो उसके लिए कोई गिफ्ट भी लेके आएगा क्या। यही बोलता है कि शायद फ्लाइट लेट हो गई होगी, लेकिन गिफ्ट उन्हीं को मिलता है जो गुड बॉय होते हैं। रूरू बोलता है कि हाँ वो एक गुड बॉय है, इसलिए उसे गिफ्ट मिलेगा। रूरू को सुनाने के बाद ही इधर उधर घूमने लगता है और सोचता है कि अभी तक सीईओ वापस क्यों नहीं आया। यही को चिंता होती है कि क्या कोई एक्सीडेंट हो गया है इसलिए वो अभी तक नहीं आया। वो सोचता है कि उसे बाहर जाके देखने की जरूरत है कि वो क्या रहा है आखिर। तो वो बाहर जाने के लिए निकलता है, दरवाजे को खोलता है और बाहर फिर कदम बाहर ही निकालता है कि देखता है कि सीईओ दरवाजे के ऊपर ही आ गया है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, और तभी सीईओ बताता है कि फ्लाइट में उसका फोन गिर गया था जिस वजह से वो मैसेज नहीं कर पाया। और तभी ही उसको आश्चर्य भरी आंखों से देखता है और उसकी बात सुनता है, और तभी सीईओ ही को अपने गले से लगा लेता है और बोलता है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, अब तो मैं वापस आ गया हूँ, तो अब तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और सीईओ भी बहुत खुश होता है कि वो अब घर आ गया है, और यही बोलता है कि तुम शायद बहुत थक गए होगे, इसलिए अब तुम्हें थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, आखिरकार जर्नी बहुत बड़ी थी तो तुम थोड़ा सा रेस्ट ले लो जिससे तुम्हें एनर्जी आ जाए। दूसरी तरफ रूरू अभी भी बहुत गहरी नींद में सो रहा होता है। सोते सोते वो उठता है और वो देखता है कि आखिरकार क्या हो रहा है, और जैसे ही देखता है तो उसको बहुत सारे गिफ्ट दिखाई देते हैं, क्योंकि सीईओ ने जैसा प्रॉमिस किया था वैसे वो गिफ्ट लेके आया, और दोनों उस बच्चे को देख के बड़ा खुश हो रहे होते हैं। तभी दिखाते हैं कि ऑरेंज इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऑडिशन चालू हो गया है, और जो लीली है वो जाके मिस जैंग से चिल्ला चिल्ला के बात कर रही होती है कि उसे भी स्पेस ट्रेवल की जो सीरीज है उसमें काम चाहिए। मिस जैंग बोलती है कि ऑडिशन स्पेस ट्रेवल की सीरीज के लिए, यदि वहाँ तुम जाके थोड़ी देर के लिए भी अपने आप को दिखाओगी तो ये तुम्हारे कैरियर के लिए हेल्पफुल होगा, तो यहाँ तुम्हें चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। लीली बहुत खुश होती है सुन के कि इस रोल में वो भी ऑडिशन दे सकती है, और वो बोलती है मिस जैंग आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये एक इंटरनेशनल सीरीज है। तभी मैनेजर उसको वार्न करती है कि तुम अपना बिजनेस माइंड करो, दूसरों की चीजों में टांग अड़ाना बंद करो, क्योंकि किसी को भी तुम ओपन करोगी तो उसका नतीजा तुम संभाल नहीं पाओगे। दूसरी तरफ सीईओ मुमु को फोन करता है और मुमु पूछता है कि क्या हुआ, और तभी वो बताता है कि मैंने तुम्हें पैसे देने के लिए फोन किया है। तब मुमु बोलता है कि मेरे पास कब से पैसों की कमी थी जो तुम पैसे देने के लिए मुझे फोन कर रहे हो। सीईओ मुमु को बताता है कि कल रात को ही वो वापस आया है शहर में। सीईओ बताता है मुमु को कि वो ऑडिशन की सीरीज का इंचार्ज है। रूरू बहुत एक्साइटेड होता है इस ड्रामे के लिए, और यी और सीईओ रिहर्सल कर रहे होते हैं। उसमें दिखाते हैं कि रूरू बोलता है कि हमारे पास अच्छा है प्रोटेक्टेड क्लोथ्स हैं, तो अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्पेस ट्रेवल वाली सीरीज को करने में। यी अपनी स्क्रिप्ट को पढ़ता है और बोलता है कि ये कोई ओल्ड टाइप का सिविलाइजेशन वाला लुक है, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक लॉक भी बहुत ओल्ड टाइप का है, इसको डिकोड करने में मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी करके। तभी रूरू भी बहुत एक्साइटेड हो जाता है कि वो लोग एंशंट लॉक देखने जाएंगे और इसको डिकोड करेंगे, और वो बोलता है ठीक है चलो जल्दी चलो। रूरू को भी ये स्पेस ट्रैवल वाली स्क्रिप्ट बड़ी पसंद आती है और उसे बहुत मजा आता है, वो बोलता है ये बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है ऑसम। और फिर सबके सब तीनों मिलके रिहर्सल करने लगते हैं, कभी यहाँ जाना कभी वहाँ जाना, तीनों वॉक करते हैं, तीनों मिलके रिहर्सल करते हैं, उनके अलग अलग पोजेस होते हैं, तीनों मिलके एक्सरसाइज भी करते हैं।
थोड़ा अंधेरा सा हो जाता है और तीनों टॉर्च जला के कुछ देखते हैं। तभी ये बोलता है कि ये क्या है, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है। और सी और ये एक दूसरे से टकरा जाते हैं और तभी सीईओ यी को गले लगा लेता है और बोलता है, क्या तुम इसे फील कर सकते हो। रूरू भी यी के पैर पकड़ लेता है और बोलता है, देखो उधर देखो। यी बताता है कि उसे कुछ अजीब सी फीलिंग्स हो रही है, उसने कुछ फीलिंग्स को महसूस किया है। यी सीईओ को बोलता है कि पिछले कुछ दिनों से तुम काफी बिजी थे, तुम मेरे साथ रिहर्सल कर रहे हो, तो क्या मेरी वजह से तुम्हें कुछ परेशानी होगी। रूरू काफी हैप्पी होता है इन दोनों को देख के। दूसरी तरफ मुंह एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर रहा होता है, उसे पढ़ रहा होता है और उसी के साथ में सीईओ भी कॉन्ट्रैक्ट को देख रहा होता है और उस पर साइन कर रहा होता है। सीईओ का मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट को हाथ में लेता है और सोचता है कि उसे आगे फ्यूचर में काफी सारे स्क्रिप्ट्स को पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये सारे स्क्रिप्ट्स ही को मिलेंगे। मोमो सीईओ के बीच की डील पक्की हो जाती है और मोमो बोलता है कि उसे पैसों की बिल्कुल चिंता नहीं है। मोमो बताता है कि कॉम्पिटिशन जो है सीरीज के लिए वो बहुत बड़ा है, कुछ लोग दूसरों का सहारा लेके इस कंपटीशन को जीत सकते हैं और कुछ लोग इस कंपटीशन को नहीं भी जीत सकते हैं। बाई कंपनी में स्पेस ट्रेवल नाम की जो सीरीज चल रही होती है उसके ऑडिशन का समय आ चुका होता है। जब वहाँ पहुँचता है तो वह कई लोगों से मिलता है, उन सबको हाई करता है और दिखाते हैं कि ये थोड़ा नर्वस भी हो रहा होता है। तभी एक आदमी आता है और बोलता है कि ऑडिशन जल्दी शुरू होने वाला है, तो अपना अपना नंबर अपने हाथ में पकड़ के बैठ जाओ। ये देखता है कि लिली भी आई हुई है ऑडिशन में और वो पूछता है कि वो यहाँ क्यों आई है। और लिली जवाब देती है कि अब जब तुम बेल कंपनी में आ गए तो तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बड़े बन गए और हम लोग क्या इस ऑडिशन को अटेंड नहीं कर सकते हैं। ये बोलता है कि मेरा वो मतलब नहीं था जैसा तुम सोच रही हो, बस थोड़ा सा अजीब था। लिली बोलती है कि मैं इधर आई हूँ क्योंकि ये रोल मैं ही डिजर्व करती हूँ, तुम क्या हो, तुम्हारा तो पहले कोई सीरीज अच्छा सा था भी नहीं। लिली बोलती है कि तुम्हें अपने आप पे इतना प्राउड करने की जरूरत नहीं है, तुम तो शायद बैकडोर के थ्रू भी आए हो सकते हो। तभी ये सीईओ को देखता है कि सीईओ भी यहाँ पर आया है और ये देख के वो खुश हो जाता है। लिली भी देखती है कि सीईओ वहाँ पर है और सोचती है कि ये आदमी यहाँ पर क्यों है। तभी लिली यी को बोलती है कि ये तुम्हारा ही बॉयफ्रेंड था ना जो कि अब यहाँ पर आया है, तो तुम्हारी तो जरूर ये मदद करेगा। तभी एक लड़की ग्याओ नाम की आती है और सीईओ को हाय बोलती है और बोलती है, बहुत लंबा समय हुआ हम मिले नहीं है, तुम मुझे भूल गए, हम बचपन में साथ खेला करते थे। ग्याओ बताती है कि वो भी एक्टर बनना चाहती है, इसलिए वो यहाँ पर ऑडिशन के लिए आई है। ऑडिशन रूम में सारे जजेस बैठ के कुछ इन्फॉर्मेशन आर्टिस्ट के देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर यी का भी इंफॉर्मेशन होता है और सीईओ सोचता है कि यी ने मुझे उस लड़की से बात करते हुए देखा होगा क्या। दूसरी तरफ यी देखता है कि वो दोनों लड़कियाँ जा रही हैं, याओ और उसके साथ एक और एक लड़की होती है, वो दोनों जा रहे होते। तभी लिली बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता कि याओ और सीईओ गुड मैच है, जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। यी को प्रोवोक कर देती है ऐसे शब्द बोल के और यी सोचता है कि उसे ये सब नहीं सोचना चाहिए, आखिरकार ऑडिशन का टाइम पास आ रहा है। दूसरी तरफ घर पर रूरू अपने टॉयज के साथ खेलने में बिजी होता है और तभी वहाँ मोमू भी आता है और मोमू बोलता है कि हमें कुछ रियल एडवेंचर करना चाहिए। और तभी रूरू बोलता है कि उसकी जो डकी है वो बहुत अच्छी है और रूरू को बहुत पसंद भी है। मोमो आजकल रूरू के साथ ज्यादा समय बिताता है और मोमो बोलता है रूरू को कि तुम बहुत ही अच्छे एक्टर हो, तुम फ्यूचर में ऑस्कर विनर बनोगे। तभी रूरू बोलता है कि हाँ ऐसा तो होना ही है क्योंकि मैं यी के साथ रोज प्रैक्टिस करता हूँ। तभी दूसरी तरफ दिखाते हैं कि यी बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसके सारे दिमाग में वही सब बातें चल रही होती हैं और वो जिस लॉक को खोलने की प्रैक्टिस करके आया होता है वो चीज़ को भूल जाता है और उसे लगता है कि उसका ऑडिशन अब खराब हो जाएगा।